आज मैं बनाऊंगी मटकी की सब्जी। तो इसको मैं भिगो के कपड़े में बांध के रख दी थी। देखिए अंकुरित निकल चुका है, तो इसको अंकुरित करके ही बनाते हैं। ये मूंग दाल की तरह दिखता है, बट ये दाल में गिनती नहीं आता, एक प्रकार का ये मोटा अनाज है। ये इसको इंग्लिश में मोथ बीन भी बोलते हैं, तो आप इसके बेनिफिट्स गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो इसको मैं कुकर में डाल के अब एक सीटी तक पका लूँगी, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा हल्दी डाल दी हूँ और पेस्ट रेडी कर लूँगी, जिसके लिए ले ली हूँ मैं प्याज, लहसुन, अदरक और ये सूखा नारियल। इस सूखा नारियल को मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी तवे पे। तो अब इसको मैं पीस लूँगी और मैं मिर्ची भी ऐड कर दी हूँ, आप अपने हिसाब से मिर्ची ऐड कीजिए। मैं तेल ले ली हूँ, रिफाइंड तेल ली हूँ, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी सूखी लाल मिर्च और जीरा। तो ये चटक चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये मसाला। तो मसाला ऐड कर ली हूँ, अब इसको भून लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, कलर वाला मिर्च पाउडर और गरम मसाला। आप तेल ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैं कम ही लेती हूँ इसलिए कम ली हूँ। तो देखिए मसाला फ्राई हो चुका है। मसाले को इस तरीके से फ्राई करना है। अब इसमें ऐड कर देंगे मटकी। तो इसमें जो पानी है इसको फेंकिए मत, इस पानी को भी ऐड करिए साथ में। और अब मैं ले रही हूँ ये चना का आटा है, इसमें एक चम्मच ली हूँ और इसमें पानी मिक्स करके इसको डालेंगे। इससे एक फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और थोड़ा सा ग्रेवी थिक होगा। तो मैं इसको ऐड कर दी, अब इसको पका लेंगे। आप अपने हिसाब से जितना ग्रेवी रखेंगे तब तक पका लीजिए। आप इसको एकदम सूखा भी बना सकते हैं। देखिए तो मैं पका ली हूँ, मैं इतनी ग्रेवी रखूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी धनिया पत्ती। अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। तो मटकी की सब्जी रेडी है।